था कि आप लोगों को अब आप आदिल के इंटरव्यूज ले और बहुत बड़ा स्टार बनाए। नहीं, उसको वही चाहिए था इंडस्ट्री में आके मेरा इस्तेमाल करके बहुत बड़ा स्टार बनना है। नहीं बना, आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं जिम चेंज कर दूंगी, क्योंकि वो जानबूझ के जिम करने नहीं आता, मीडिया में इंटरव्यू देने आएगा। आई डोंट वांट, प्लीज। आज आपने नहीं बुलाया था उन्हें? मैंने नहीं बुलाया, उन्होंने बोला मैंने नहीं बुलाया, मुझे तो पता भी नहीं है। उन्होंने बोला क्या राखी जी ने बुलाया है? मैंने नहीं बुलाया, झूठों का पुतला है वो खुद जानते हैं कि मेरे साथ सारे प्रूफ है। मैंने 10 बार बोला, कुरान पे शरीफ, कुरान पे कसम खाया उसने कि मैं उस लड़की को ब्लॉक कर दूंगा, कुरान है पाक की कसम, लेकिन नहीं ब्लॉक किया। और वो लड़की उस पर अभी उसको ब्लैकमेल कर रही है वो लड़की, क्योंकि उस लड़की के पास सारे गंदे प्रूफ है। शुक्रिया। मैं कैसे कुरान की इज्जत करो? अरे इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। मुझे जाना है, मैंने खाना नहीं खाया, मैं खाना नहीं मिला। अब मेरे हाथ जोड़ से एक ही निवेदन है मीडिया से, मैं उसे लाई हूँ मीडिया में, अब आप लोग उस समय आप लोगों के पैर पड़ती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं आप लोगों के पैर पड़ती हूँ, मत बनाओ उसे। सारी लड़कियाँ मेरी शादी का फायदा उठा रही है, मत बनाइए उसे प्लीज। खत्म खत्म, अभी खत्म। शुक्रिया, मैंने आपको सब दिखाया है। बस शुक्रिया, अल्लाह से मैं मांगूंगी, 30 रोजे करूंगी, मैं उमरा जाऊंगी, मुझे आदिल ले जाए तो बेटर है। मैं मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई है उनको बोलूंगी मुझे उमरा कराए। मैं मेरे जीसस को मानती हूँ, मैं अल्लाह को मानती हूँ, मेरा अल्लाह खुदा सच्चा है, मैंने सच्ची बीवी हूँ, अरे सच्चाई से मैंने निकाह, सच्चाई से इस्लाम कबूल किया है। अगर मैं सच्चाई से जीसस को मानती हूँ तो ये सुधर के मेरे पास ज़रूर आएंगे। और हाँ, कि वो आदिल अगर मेरे साथ लॉयल नहीं है, हर लड़की को कहना चाहती हूँ वो आपके साथ भी लॉयल नहीं होगा। मैंने अपना खून दिया है उसे, सब कुछ दिया है, सब कुछ जो मुझ पर गुजरी है किसी लड़की पर ना गुजरे। आदिल तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दे सकते, मैं दुनिया के हर कोर्ट में जाऊँगी, मैं अल्लाह के कोर्ट में जाऊँगी, समझे? तलाक की धमकी मत देना उस लड़की के बात में आके। एक बार उसने मुझे गुस्से में आके ये भी बोल दिया, तुम मुझे मत देना। पहले मेरी माँ की कैंसर का पहाड़ टूटा मुझ पर, फिर पुलिस जो मुझे इंक्वायरी के लिए लेकर गई उसका पहाड़ टूटा, फिर मेरी माँ की मौत का पहाड़ टूटा, उसके बाद मेरे पीछे सब हो रहे गंदे अफेयर का पहाड़ टूटा। जो मैं कहती हूँ ना मेरी शादी खतरे में है, वो लड़की को वार्निंग दे रही हूँ मीडिया के सामने, मेरे मेरे आदिल के बीच में शादीशुदा पति पत्नी के बीच में आओगी, शर्म आनी चाहिए। एक औरत औरत का घर तोड़ रही है, आदमी तो होता ही कुत्ता है, आदमी तो होता ही कुत्ता है। तुम जाओगे तो करेगा ही। तुम एक शादीशुदा औरत की जिंदगी खराब कर रही हो। शुक्र करो अभी तुम्हारा नाम नहीं लिया मैंने तुम्हारे वीडियो वायरल नहीं की वीडियो में, जब मैं पलके झुका के बर्दाश्त करना जानती हूँ तो आंख उठा के अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मैरिज के लिए लड़ना भी जानती हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? अभी भी वार्निंग दे रही हूँ, पर्दाफाश कर दूंगी। आदिल आपको भी वार्निंग दे रही हूँ, अभी से उस लड़की का नाता छोड़ दो। सुबह का भूला शाम को घर पे आ जाए उसे भूला नहीं कहते। मैं वार्निंग दे रही हूँ, मेरी शादीशुदा जिंदगी है ये, एक एक आंसुओं का मेरा बदला मेरा अल्लाह खुदा परमेश्वर लेगा। अभी भी मेरी माँ को मैं दफना के आई हूँ। आदिल 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 सुधर जाओ। उस लड़की को कहना चाहती जो बीवी का नहीं लॉयल, वो किसी का नहीं। कहते हो ना कि मीडिया में आती हूँ क्यों बात, घर में रखो, घर में रहकर ना मुझे भी फ्रिज में नहीं जाना है, अपने शादीशुदा हक के लिए मुझे लड़ना है और मैं लड़ूंगी। बात की क्या आदिल से? सब मालूम है उसे, सब जानते हैं, आधे से ज्यादा नहीं जानते सच्चाई। बोली थी जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थी मैं, अब वो लड़की मेरे सर पे मुतना चाहती है, मुझे आदिल का उसको साथ है, इसलिए वो लड़की मुझे डंके की चोट पर कहती है कि वो तुम्हें छोड़ेगा और 100% मुझसे शादी करेगा। इसलिए तुमने 8 महीने की शादी मेरी छुपाई आदिल, तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे सब लोगों ने बोला बेटा एक चांस दो, 10 चांस दिए मैंने आदिल को। आदिल क्या करना है?
मुझे नहीं पता है। मैं रमजान के 30 रोजा करना चाहती हूँ, मैं आदिल से घर बसाना चाहती हूँ, मैं आदिल के साथ उमरा जाना चाहती हूँ। वो मेरा शोहर है, मेरे शोहर के बीच में, मेरे घर के बीच में कोई लड़की ना मेरा घर तबाह करने की कोशिश ना करे। तुम आदिल मुझे छोड़ के जाओगे तो जाओगे, तुम्हारा भी घर कभी बस नहीं पाएगा। याद रखना, आदिल मेरा लॉयल नहीं, मेरे साथ तो किसी के साथ नहीं रहेगा। हाँ, मैं मीडिया के सामने कह रही हूँ, क्योंकि यही लोग मुझे न्याय दिलाएंगे, यही मेरी आवाम, मेरे फैंस मेरा घर बसाएंगे। आज मुझे रास्ते पे उतरना पड़ रहा है। कहता है आदिल तुम मेरी भगवान हो, मेरी खुदा के बाद। मैं नहीं हूं, मैं मिट्टी हूं। तुम कोहिनूर हीरा छोड़ के कचरे के पास गए हो। क्या कमी की तुमको मैंने, पूरे देश में फेमस कर दिया। सलमान भाई, शाहरुख भाई, सारे सेलिब्रिटी, रणवीर से मिला दिया। क्या कमी की आदिल मैंने तुम्हें, तुमने मुझे क्या दिया इस आंसुओं के अलावा। मैं नहीं चाहती हूँ अब आदिल किसी मीडिया वीडिया में आए। बस हो गया, अभी उसे कोई पब्लिसिटी मुझे नहीं देनी है। उसने बहुत मेरा एकदम सीढ़ी की तरह मेरा इस्तेमाल किया, बस अब नहीं। मैं उसकी बीवी बनना चाहती हूँ, सीढ़ी नहीं बनना चाहती हूँ कि कोई मेरा इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाए। क्या ले लोगे मेरा इस्तेमाल करके? ऑस्कर अवार्ड ले लोगे, फिल्मफेयर अवार्ड ले लोगे, सारे अवार्ड ले लोगे? कौन से अवार्ड ले लोगे आदिल, कौन से अवार्ड ले लोगे? राखी, बहुत सारी चीजें